वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा जो आप सभी के लिए बिल्कुल ना दोस्तों। तो आज के सीन में नई चीज़ों को देखेंगे समझेंगे, जैसे कि वीडियो के टाइटल थंबनेल से पता चल गया दोस्तों। तो चलिए मैं उस जगह पर चलता हूँ, नई चीज़ के बारे में जानकारी दिलाता हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं उस शॉप पर आ गया हूँ। दोस्तों मैं मुजफ्फरपुर के छोटी कल्याणी के पास जो चौराहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, वहां पर आ गया हूं। जस्ट चौराहे से पश्चिम और दक्षिण साइड में दोस्तों, जो रामदयालु की ओर दोस्तों रामदयालु की ओर रास्ता जाते हैं, उस साइड से पश्चिम साइड से दोस्तों वो शॉप है जहाँ पर आप पुरानी किताब खरीद और बेच सकते हैं। तो कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, किस किस पब्लिकेशन का और किस किस टाइप्स की यहाँ बुकें मिलती है, किताबें यहाँ उपलब्ध है, उसके विषय में बात करता हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ इनसे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रितेश कुमार हूँ। अच्छा रितेश कुमार जी, आपकी ये शॉप कहाँ पर है? ये सर छोटी कल्याणी चौक पर है। अच्छा अच्छा, चौराहे के पास है ये सर। अच्छा, आप यहाँ पुरानी बुक खरीदते और बेचते भी हैं। तो किस किस तरह की बुक आप बेचते हैं यहाँ? सर एकेडमिक टाइप का बुक बेचते हैं। अच्छा, जैसे आपको हो गया NCERT हो गया, ICC बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया। अच्छा, और कंपटीशन लेवल का जितनी बुक होती है, मेडिकल लेवल का, इंजीनियरिंग लेवल का, ये सभी आपको बुक यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, सेकंड हैंड में। अच्छा, सभी उपलब्ध होगी इसमें, होगी आपको जिस तरह यहाँ देख सकते हैं ये सभी किताब है। अच्छा, ये आपका कॉमर्स लाइन है। अच्छा, सभी मिली हुई है, जैसे है इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है। अच्छा, साइंस लेवल है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इधर आपको सभी जितना भी है स्कूल लेवल का, जितने भी कंपटीशन लेवल का है। अच्छा, सब इसमें लगी हुई है। अच्छा अच्छा, इसमें आपको जितने भी परसेंटेज है सब इसमें लगभग आपको 50% है ये उपलब्ध हो जाएगी। तो अच्छा, आप जो परसेंटेज देते होंगे तो अलग अलग पब्लिकेशन के बुक है, तो इसी हिसाब से डिस्काउंट देते होंगे। हाँ, जैसे कि ये आप NCERT की बुक है। अच्छा, NCERT की एकेडमिक बुक है। हाँ, ये NCERT की बुक है। हाँ, तो नई बुक अगर हम लोग देते हैं तो इस पर 10% छोड़ देते हैं। अच्छा, अगर इसी में सेकंड हैंड बुक रहता है तो हाँ, हम लोग 35% 40% तक हाँ, दे देते हैं। अच्छा, जैसा कंडीशन हुआ उस अनुसार से किताब हो। ये किताब सेकंड हैंड है, हम लोग इसको बाइंडिंग करवाते हैं। अच्छा अच्छा, जिसका पैसा हम कस्टमर से बिल्कुल नहीं लेते, नहीं लेते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, अच्छा, अगर इसमें पन्ना भी अगर नहीं रहता है। अच्छा, तो ये देख रहे हैं, इस पर हम फोटो कॉपी करा के अवेलेबल कराते हैं, इसको इसको ऐड कर देते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो। अच्छा, और इसका पैसा भी हम बच्चों से नहीं लेते। अच्छा, ये फ्री है मेरे तरफ से। अच्छा, इसमें आपको सभी है भारतीय भवन के वगैरह सभी किताब इसमें मिलेंगी। अच्छा अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों है? दोनों मिलेगी, दोनों मीडियम में। हाँ, सभी मिलेगी, हर तरह का, इसमें बिहार बोर्ड का भी है। अच्छा अच्छा, इधर आप आ जाइए, इसमें आपको इंजीनियरिंग लाइन है। अच्छा, इंजीनियरिंग लाइन का, इंजीनियरिंग लाइन है स्कूल हर पब्लिकेशन का आपके पास टोटल ए से लेके जेड तक का सभी पब्लिकेशन का बुक इसमें आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा, इसमें आपको सबसे ज्यादा है कि आपको लगभग हर किताब सिर्फ NCERT को छोड़ के बाकी सभी किताब लगभग 50% पर है। 50 है। हाँ, अच्छा ये बताइए, आपकी जो शॉप में है, पुरानी शॉप, किताब खरीदते और बेचते हैं आप, तो अलग अलग पब्लिकेशन के जो बुक है उसमें अलग अलग ढंग से डिस्काउंट भी देते होंगे? हाँ बिल्कुल देते हैं। जैसे कुछ, जैसे स्टूडेंट फ्रेंड पब्लिकेशन हो गया, भारतीय भवन हो गया। हाँ, तो स्टूडेंट फ्रेंड्स में जैसे कि अगर थोड़ा हम लोगों के पास में नई बुक रहती है। अच्छा, तो हम लोग उस पर जो खरीद आती है उसे हम लोग 5% 10% के आसपास में लेस करके। अच्छा, माने जो बाजार मूल्य से भी हम लोग 5% घटा के बेच देते हैं। अच्छा अच्छा, और सेकंड हैंड रहती है। अच्छा, वो हम आधा दाम से भी कम में बेच देते हैं। अच्छा, दाम से भी थोड़ा कम करके बेच देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा आपकी शॉप कब से कब तक खुली रहती है? हमारी शॉप सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुली रहती है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से भी जो टाइम रूटीन है। अच्छा, उस अनुसार से अभी हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पूरा सप्ताह में 7 दिन खुलते हैं? हाँ बिल्कुल, संडे को हम हाफ टाइम खोलते हैं, यानी अच्छा, उसका टाइमिंग क्या है हाफ टाइम का? वो 2 बजे से हम आते हैं और शाम के 8 बजे तक रहते हैं। हाफ डे खोलते हो? हाँ हाफ डे खोलते हैं, 2 बजे से लेकर शाम तक। किसी दिन बाहर जाना रहता है तो उसी दिन मेरा दुकान सिर्फ क्लोज रहता है। अच्छा, बाकी सभी दिन ओपन रहती है। दुकान पर का ऊपर में मेरा बोर्ड है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैं इनका एड्रेस, दुकान का नंबर दे दूंगा। आप घर बैठे भी इनसे कॉन्टैक्ट कर इनके पास बुक अवेलेबल के है कि नहीं तो आप जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आप किस में आप? अच्छा, इस कौन से तरह की बुक है ये? 11th 12th सब की। अच्छा अच्छा, इसमें ये सब है, जैसे ये सब ये IIT वगैरह है। हाँ, इस सब में कंपटीशन और क्लास दोनों लेवल में आ जाती है, 11th अच्छा, की बुक है। अच्छा अच्छा, और ये सब आपको NCERT है, साइंस है। अच्छा अच्छा, ये सब इसी में। इधर कितने भी हैं ये, कंपटीशन लेवल का। अच्छा, कंपटीशन
लेवल का है ये? हाँ, इसमें 11 12 मिक्स है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये कंपटीशन लेवल का ही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके कंपटीशन एरिया का सर आप सारी बुक यहाँ मिलते होगी? हाँ, नीचे मेडिकल्स भी है। अच्छा, मेडिकल के भी है आपके पास? नीचे मेडिकल्स भी है। अच्छा अच्छा, ये क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। और आपके यहाँ जो बुक लोग खरीदने के लिए आता कस्टमर, तो ज़्यादा किस तरह के बुक खरीदते हैं आप? पुराने ज़्यादातर स्कूल कॉलेज की रहती है, ज़्यादा एकेडमिक बुक जो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। अभी हमारे लॉकडाउन की वजह से 2 साल से लगभग कंपटीशन लेवल का किताब का भी नहीं बिक रही है, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी नहीं निकल रही। हाँ, अब वो निकलता है तो कंटिन्यूस उसका भी रहता है। अच्छा कुमार जी, अच्छा ये बता रही थी कुमार जी कि आपकी ये शॉप है, अगर आप यहाँ अगर कोई कस्टमर, कोई स्टूडेंट अपनी पुरानी बुक जो पढ़ाई लिखाई कर चुका हो चाहे नहीं करना हो, उसके पास किताब पुरानी चाहे नई किताब पड़ी हो, तो आपके पास आकर वो बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है। जैसे तो वो कैसे आप खरीदते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है? उसका प्रक्रिया यह है कि जो बुक सिलेबस में रहती है, हाँ, उस बुक को अगर वो लेके आता है हमारे पास, हाँ, तो उस किताब का परसेंटेज ये लगता है कि वो कंडीशन पहले क्या है। हाँ, एडिशन देखा जाता है, कंडीशन देखा जाता है और सिलेबस देखा जाता है। अच्छा अच्छा, कंडीशन मायने नहीं रखता लेकिन सिलेबस मायने रखता है। अच्छा, क्योंकि आपको सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। अच्छा, सिलेबस ठीक रहना चाहिए तो किताब हम लोग, अगर टेस्ट बुक हुआ जैसे एनसीईआरटी का बुक हुआ तो वो हम लोग 30% का खरीदते हैं, और बाकी जो कंपटीशन लेवल का बुक होता है उसमें 15% और 20% उस हिसाब से चले उसके साल के ऊपर लगता है, और जो गाइड वगैरह होता है वो 10%। अच्छा अच्छा, जैसे हमारे जो बिहार बोर्ड के गाइड वगैरह भी रखते होंगे आप? हाँ बिल्कुल रखते हैं। अच्छा अच्छा, वो हर पब्लिकेशन का रखते होंगे? हर पब्लिकेशन का रखता है, उस पर हम लोग 50% लेस करते हैं, उसमें भी बच्चे को उसके सुविधा के अनुसार थोड़ा और छोड़ भी देते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, और अच्छा रितेश कुमार जी ये बताइए कि आपके यहाँ खरीदने बेचने के अलावा जो सुविधा है, फैसिलिटी है, इसके अलावा क्या आपके यहाँ सुविधा फैसिलिटी है? बुक बाइंडिंग भी होता है। अच्छा, वो किस तरह के बुक बाइंडिंग करते हैं आप? सिंपल बाइंडिंग भी करा सकते हैं और फूट वाली बाइंडिंग में करा सकते हैं, क्लॉथ बाइंडिंग में करा सकते हैं। अच्छा अच्छा, वो क्या होता है सिंपल बाइंडिंग? सिंपल बाइंडिंग ये हुआ। अच्छा, सिंपल बाइंडिंग इसमें जैसे कि ये किताब खुली हुई होगी, अच्छा अच्छा, तो इसको पूरा पन्ना को खोल के, अच्छा, उसको सिलाई किया जाता है। अच्छा अच्छा, उसके बाद इस पूरे पन्ना को उसको सीधा करके मशीन पर इसको काट के सीधा कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ये पूरा नई जैसी हो जाती है। अच्छा अच्छा, इसमें देखिए इसमें पन्ना भी नहीं था तो इसमें लगाया जा चुका है। अच्छा अच्छा, ये आपको कितना पन्ना इसमें नहीं था लगाया गया? हाँ, जब कोई बच्चा बेचा था हाँ, तो उसमें नहीं था। अच्छा, हम लोग गिन के नहीं लेते हैं। अच्छा अच्छा, उस हाँ, बीच में इतना पन्ना नहीं था। अच्छा, वो अच्छा, हम लगवा के वो आलो चेक करके वो फाइनल तैयार करते हैं। हाँ, हम हर पन्ना को गिनते हैं तब उसको बाइंड करते हैं। अच्छा अच्छा, अगर उसमें पन्ना मिस रहता है तो अच्छा, फिर दूसरे किताब से उसको फोटोकॉपी करा के इसमें लगा देते ताकि ये पन्ना पूरा हो। अच्छा, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपल बाइंडिंग हो गया। सिंपल बाइंडिंग। अच्छा अच्छा, ये इसका प्राइस क्या होता है, कैसे करते हैं? इतनी मोटी किताब हम लोग 40 रुपये लेते हैं। 40 रुपये लेते हैं। इसे पतली रहेगा तो 20-30 जैसा रहेगा उस हिसाब से लगता है। बाइंडिंग में होता है कपड़ा वाला। अच्छा अच्छा, और कोट वाला वो हमारे टच में है जो बाइंडिंग करते हैं, हम उनके थ्रू करा के स्टूडेंट को दे देते हैं। अच्छा अच्छा, और एक हार्ड बाइंडिंग होता होगा? एक हार्ड बाइंडिंग होता है। अच्छा, आपके पास वो कंपटीशन के तरह तरह के बुक है वो सब? हाँ, ये सब कंपटीशन लेवल का है। ये 12 का है। अच्छा, ये आपको जो एग्जामिनेशन होता है अभी 12 का है, हाँ, ये सब उसका है। ये एग्जाम आइडिया हुआ 12th का है। हाँ, ये सब 12th का। और ये केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, ये सब है कंपटीशन के लिए। उसका क्या प्राइस हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? ये नया में अभी 1000 रुपये के आसपास होगा, हम लोग इसको 450-450 रुपये में बेच देते हैं। हाँ, लगभग 50%। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो छोटी कल्याणी यहाँ पर पुरानी किताब शॉप की दुकान है, आप यहां आकर किताब खरीद सकते हैं और इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यहां आकर अपनी पुरानी किताब को बेच भी सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।